कैसी हो आप लोग दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं, हमारे दोनों बच्चे ही बहुत अच्छे हैं। और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है हमारा शाम के 5 बजे से, तो 5 बज रहे हैं दोस्तों अभी। और आज हमने पलंग का गद्दा और खोल को और पलंग की चदरे को धोकर डाल दिया था, तो शाम हो गई है और ये कपड़े सूख गए हैं, तो हम खोल को गद्दे में डाल देते हैं दोस्तों। और आज तारीख है 24 फरवरी, दिन शनिवार है, और अब हम जल्दी जल्दी से काम कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पतिदेव कहीं जा रहे हैं खाना खाने, और अभी हम घर पर अकेले हैं। मेरी सासूमा, ननन जी और पिल्लू और मेरी आरवी सभी लोग मामी के घर हैं, क्योंकि अभी छोटी मामी हमारी मायके गई हैं अपने, तो मझली मामी अकेली हैं, तो मेरी सासूमा और मेरी ननन जी पिल्लू वगैरह वहीं पर सोते हैं। तो आरवी को हमने इसलिए वहाँ पर भेज दिया था क्योंकि हम भी मामी के घर ही जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पतिदेव कहीं खाना खाने जा रहे हैं, तो मुझे मामी के घर पर छोड़ देंगे और जब वो वापस आएंगे तो मुझे लेते आएंगे। तो हमने मड़ैया में पलंग को रख दिया है और अब मड़ैया का ताला लगा देते हैं। और हमारे पति देव भी आ गए हैं, अभी वो बाहर थे तो वो भी तैयार हो रहे हैं, तो अब हम उनके कपड़ा दे देते हैं, वो मुँह हाथ धोए हैं तो उनके कपड़ा दे देते हैं, अब वो तैयार हो जाते हैं। और हमारे कपड़े घड़ी बनने के लिए डले हैं, तो हम उनकी घड़ी बना लेते हैं जब तक वो तैयार हो रहे हैं। तो लड़कों को तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तैयार होने में, तो वो तो तैयार हो गए हैं और हमसे बोल रहे हैं कि जल्दी करो टाइम हो रहा है, मुझे दूर जाना है। तो हम जल्दी जल्दी से कपड़ों की घड़ी बना लेते हैं दोस्तों, और कुछ तो ऐसे ही उल्टे सीधे ही कपड़े की घड़ी बना कर रख दिए हमने, और अब हम चलते हैं दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों, ताला लगा देते हैं, वो तो खड़े हुए हैं, गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है उन्होंने, तो अरवी तो वहीं पर है मामी के घर पर ही। तो दोस्तों मामी का घर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही में है। तो दोस्तों पहुंच गए हम लोग अपने मामी के घर पर, और लाइट नहीं आ रही है, लाइट चली गई है, घर पे ही लाइट चली गई थी तो लाइट नहीं आ रही है दोस्तों, और अंधेरा है। तो मेरे पतिदेव और मामी का लड़का चले हैं खाना खाने, और देखिए दोस्तों मेरी आरवी ने मुझे देखा और मेरे पास कितने जल्दी दौड़ दौड़ कर आई है। और वैसे अकेली ही बनी रहती है, जब हम नहीं रहते हैं यहाँ पर तो अकेले ही खेलती रहती है, अकेली बनी रहती है। और आरवी ने जैसे ही मुझे देखा मेरे ऊपर चढ़ गई, और देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा पिल्लू और मेरी सासूमा और हमारे छोटे देवर और सभी लोग बैठे हैं, और मेरी मझली माई खाना बना रही है, नमकीन चनापल बना रही हैं। और देखिए माई का कुत्ता मुझे देखकर कितने जल्दी आया, और गाय भैंसों की आंखें देखो कैसे चमक रही हैं भूत की तरह। और देखिए दोस्तों लाइट आ गई है, घर पर थे तब लाइट चली गई थी और अब लाइट आ गई है, और दोस्तों वो लोग तो चले हैं खाना खाने के लिए, और जब वो लोग आ जाएंगे फिर हम भी चले जाएंगे। तो ये है मामी का लड़का, जा रहे हैं खाना खाने उनके साथ। यहाँ पर खाना बनना है, इन लोगों का चूल्हे पर खाना बना रही हैं मामी। और दोस्तों आप लोगों को हमारी मामी का घर कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। और पीछे मेरी ननन जी खड़ी हैं, और अभी मामी के घर में सूना सूना लग रहा है क्योंकि बहुत जने नहीं है अभी घर में, क्योंकि सभी लोग गए हैं कहीं कहीं, कोई कहीं गया है कोई कहीं गया है, तो घर में बहुत लोगों की अभी कमी है इस घर में। काजल, हेमंत और छोटी माई और मामा वगैरह और नानी वगैरह कोई नहीं है अभी, तो सभी लोग रिश्तेदारी में गए हैं। और दोस्तों अब आ गए हम लोग मामी के कमरे में, तो मेरी सासूमा और पिल्लू और दादी, पिल्लू की दादी तो वो लोग बैठे हैं, और मेरी मछली माई के नमकीन चावल बन गए हैं, तो उन्होंने हमें नमकीन चावल दे दिए हैं, तो हम नमकीन चावल खाएंगे। तो दोस्तों आ जाइए आप लोग, नमकीन चावल खा लीजिए। और दोस्तों सभी लोगों ने खाना खा लिया है, और मेरी सासूमा यहाँ पर सोती हैं आंगन में, मतलब बरंडा है, बरंडा में सोती हैं गाय को बांध कर पलंग से, क्योंकि ये गाय प्रेग्नेंट है, मतलब 51 है ये गाय,
तो मेरी सासू माँ यहीं पर इसलिए सोती हैं क्योंकि नानी नहीं है। नानी भी अपने मायके गई हैं, नानी सास, तो वो भी अपने मायके गई हैं और मेरी सासू माँ यहीं पर सोती हैं। गाय को बांध लेती हैं पलंग से। और दोस्तों गाय का, गाय मतलब ग्यावन है, ब्याने वाली है। तो दोस्तों मेरी सासू माँ यहीं पर सोएंगी और पिल्लू भी इनके साथ सोता है, मम्मी के साथ में ही। और एक गैया बहुत सीधरी है, मारती नहीं है। और देखिए दोस्तों एक गैया बहुत अच्छी लगती है। और दोस्तों बाहर हल्की बूंदाबांदी होने लगी है तो मम्मी ने सारे चौपों को अंदर बांध दिया है छपरे में। और देखिए मेरा पिल्लू आ गया है, हम पिल्लू से बोल रहे हैं कि पिल्लू चलो घर पर सोएंगे, तो वो बोला है नहीं हम दादी के साथ ही सोएंगे। हमने कहा ठीक है दादी के साथ सोना। और देखिए गाय की आंखें कैसी चमक रही है भूतन की तरह। तो दोस्तों मेरे पतिदेव आ गए हैं खाना खाकर और अब हम चले हैं घर पर। और हम और आरबी और हमारे पतिदेव तीनों ही चले जा रहे हैं। तो पिल्लू तो यहीं पर सोएगा, लेकिन पिल्लू साथ जाने के लिए रो रहा था, लेकिन उसको साथ नहीं ले गए हैं तो उसको यहीं पर छोड़ दिया, उससे बाय कर रहे हैं। और अब हम चलते हैं घर पर। घर पर चलकर मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं अपने पहाड़िया पर, यानी कि अपने घर पर। और देखिए दोस्तों आज का मौसम कितना अच्छा है। अभी हम लोग मामी के घर थे तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो गई है और बदरई है आज। बदरई चंदा मामा बदरई में छुपे हैं। और देखिए दोस्तों हमारे पहाड़िया पर से कितना अच्छा लगता है, चारों तरफ पहाड़ वगैरह हैं और पहाड़ पर लाइट वगैरह लगी हैं, तो इस वजह से और अच्छा लगता है। और देखिए दोस्तों चंदा मामा कितने बदरई में छुप गए हैं। तो दोस्तों रात बहुत हो गई है, रात के 10 बज गए हैं। तो दोस्तों अब हम ब्लॉग को ख़त्म कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर बताना कि आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में।